हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पे देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि 144 बटे 0.144 इज इक्वल टू 14.4 बाई एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले इसे ऐसे ही उतार लेंगे। मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल 144, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे होता है, ये डेसिमल का साइन ये हमने ऐसे हटा दिया और जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो ऊपर लिख देंगे। 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। ठीक है, अब इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाए और मल्टीप्लाई एक्स को 10 से कर दिए। ठीक है, तो क्योंकि डेसिमल और इसके बाद एक डिजिट थी तो एक डिजिट यानी कि 10। ठीक है, एक जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो इसके बाद हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 144 और 000 हो गई, 000 अपॉन में यहाँ पे अब सीधा सही से लिख लेंगे। अब ये डेसिमल हट चुका है 144। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 144 क्योंकि ये डेसिमल हट चुका है और यहाँ 10 से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x। ठीक है, अब क्या बचता है हमारे पास, यहाँ देखिए अगर जो कोई कट रहा हो तो काट भी सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए 144, तो इसको यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं। तो कितने पे कटा, 1 पे कट गया, 144 डिवाइडेड बाई 144, तो 1 पे गया और 30 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब जो बची हुई संख्या है उसे नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ संख्या दिख रही है कटने वाला, तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, अब इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 40 गुना में x इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है तो 144 डिवाइडेड बाई 10000 कर देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड। अब 144 को 10000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.0144, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी जीरो है उतने पे हमें बैलेंस करना पड़ता है, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 यानी 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।